एसपीएनआई न्यूज। एसपीएनआई न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के आठनेर ब्लॉक के ग्राम मानवी में बोरवेल में फंसे तन्मय साहू को बाहर निकालने के लिए 65 से भी अधिक घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बच्चे को बाहर निकालने के लिए सुरंग बनाई जा रही है। मंगलवार की शाम 8 वर्षीय तन्मय खेलते समय बोरवेल के लिए खोदे गए 400 फुट गहरे गड्ढे में गिर गया था। वह लगभग 50 फीट की गहराई पर फंसा हुआ है। बीते दो दिनों से तन्मय को सुरक्षित निकालने का अभियान जारी है। बोरवेल के समांतर लगातार खुदाई का काम जारी है। बीच बीच में पानी का रिसाव और चट्टानों ने बचाव कार्य को प्रभावित किया। अब सुरंग बनाई जा रही है ताकि तन्मय के करीब पहुंचा जा सके। आठनेर थाना प्रभारी अजय सोनी ने बताया कि लगभग 809 फीट सुरंग बनाई जाएगी। सुरंग बनाने का 75% काम पूरा हो चुका है। पक्की चट्टान आने के कारण सुरंग बनाने में देरी हो रही है। ड्रिल मशीन से पक्की चट्टानों को तोड़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुरंग में पानी का रिसाव भी अधिक हो रहा है। मोटर पंप की सहायता से पानी को बाहर निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। तन्मय की हरकत पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। वहीं ऑक्सीजन की आपूर्ति भी की जा रही है। अगर तन्मय किसी तरह की हरकत नहीं कर रहा वहीं तन्मय के सुरक्षित बाहर निकालने के लिए लगातार प्रार्थनाएं की जा रही हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा एसपीएन9 न्यूज़। धन्यवाद।